उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स का एक दूसरा मीनिंग भी निकल कर आता है जब स्टैटिस्टिक्स को देखा जाता है इन प्लूरल सेंस। और जब स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में देखते हैं ना, तब स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट अ वर्ड फैक्ट। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट का एक मैच देख रहे हो, करेक्ट, और विराट कोहली बैटिंग पर आया है। और जैसे ही विराट कोहली बैटिंग पर आता है, या क्रिकेट का है ना एक रिवाज है, आपने देखा होगा कोई भी गेम का, कि जब कोई नया प्लेयर एंटर करता है या जब कोई मैच स्टार्ट होने वाला होता है, उसके पहले वो लोग है ना बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं अबाउट दैट प्लेयर। तो जब विराट कोहली बैटिंग करने आता है तो आपने नोटिस करा होगा कि उसके बाजू में लिखा होता है रन कितने विराट कोहली ने बनाए, सेंचुरीज कितनी विराट कोहली ने बनाई है, एवरेज क्या है विराट कोहली का, स्ट्राइक रेट क्या है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स लिखे जाते हैं। और नेचुरली जब भी विराट कोहली बैटिंग करने उतरता है ना, और वो जब उसके वो वाला फिगर्स दिखाते हैं ना, उसके फैक्ट्स दिखाते हैं, मेरे मुंह से हमेशा निकलता है, और आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे कमेंटेटर्स के मुंह से भी हमेशा निकलता है, दैट विराट कोहली हैज गॉट फैंटास्टिक स्टैट्स, बराबर, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ विराट कोहली आर जस्ट अनरियल, बराबर। तो ये क्या है, यहां पर स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज करा गया है बट नॉट इन सिंगुलर सेंस, इन प्लूरल सेंस। यहां पर जो वर्ड यूज करा जाता है कि द स्टैटिस्टिक्स ऑफ विराट कोहली आर जस्ट अनरियल, इसका मीनिंग ये नहीं है कि विराट कोहली के नंबर्स को कलेक्ट करो, प्रेजेंटेशन करो, एनालिसिस करो, इंटरप्रेट करो, वो काम हो चुका है। और नाउ वी आर जस्ट यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एज अ टूल, एज अ लैंग्वेज टू डिस्प्ले फैक्ट, बराबर। फॉर अ फैक्ट विराट कोहली के नंबर्स आर एक्सीलेंट, उसी तरीके से हम दूसरी तरीके से बोला जाता है कि यार विराट कोहली के बैटिंग स्टैटिस्टिक्स आर जस्ट अमेजिंग, विराट कोहली के बैटिंग फैक्ट्स आर जस्ट अमेजिंग, बराबर। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का एक दूसरा सेंस है जिसको बोला जाता है कि स्टैटिस्टिक्स व्हेन सीन इन प्लूरल सेंस, और उसका मीनिंग होता है फैक्ट।